इंसानी आदतों के माहिर ने डाटा की बुनियाद पर रिसर्च की और मालूम हुआ कि दुनिया में 99% गलत फैसले दिन 2 बजे से 4 बजे के दरमियान होते हैं। ये डाटा जब मजीद कंगाला गया तो पता चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत फैसले दिन 2:50 से 3 बजे के दरमियान किए जाते हैं। ये एक हैरान कन रिसर्च थी। इस रिसर्च ने डिसीजन मेकिंग की तमाम थ्योरीज़ को हिला कर रख दिया। माहिरीन जब वजूहात की गहराई में उतरे तो पता चला कि हम इंसान 7 घंटों से ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकते। हमारे दिमाग को 7 घंटों बाद फ़ोन की बैटरी की तरह रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है। हम अगर इस रिचार्जिंग नहीं करते तो ये गलत फ़ैसलों के ज़रिए हमें तबाह कर देता है। माहिरीन ने डाटा की मज़ीद तजिया किया तो मालूम हुआ कि हम लोग सुबह 7 बजे जागें तो दिन के 2 बजे 7 घंटे हो जाते हैं। हमारा दिमाग इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सुन होना शुरू हो जाता है और हम गलत फैसलों की लाइनें लगा देते हैं। चुनाचा हम अगर बेहतर फैसले करना चाहते हैं तो फिर हमें 2 बजे के बाद फैसले बंद कर देने चाहिए और आधा घंटा कलूला करना चाहिए। नींद के ये 30 मिनट हमारे दिमाग की बैटरियाँ चार्ज कर देंगे और हम अच्छे फैसलों के काबिल हो जाएंगे। ये रिसर्च शुरू में अमेरिकी सदर काबीना के अरकान सलामती के बड़े इदारों और मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ के साथ शेयर की गई। ये अपने फैसलों की रूटीन तब्दील करते रहे, माहिरीन नतीजे नोट करते रहे और ये थ्योरी सच साबित होती चली गई। माहिरीन ने इसके बाद वर्किंग आवर्स को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ऑफिस के पहले 3 घंटे फैसलों के लिए बेहतरीन करार दिए गए, दूसरे 3 घंटे फैसलों पर अमल के लिए वक्फ कर दिए गए और आखिरी घंटे फाइल वर्क, क्लोजिंग अकाउंट्स वगैरह के लिए मुख्तस कर दिए गए। CIA ने भी इस थ्योरी को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया। जनरल अहमद शुजा पाशा ने एक बार बताया था कि अमेरिकी हमसे जब भी कोई हसास मीटिंग करते थे तो ये रात के दूसरे पहर का तयन करते थे। हमने महसूस किया ये मीटिंग से पहले हमारे थकने का इंतज़ार करते हैं। चुनाचे हम मुलाकात से पहले नींद पूरी करके उनके पास जाते थे। मैंने बरसों पहले एक फ़कीर से पूछा था, तुम लोग मांगने के लिए सुबह क्यों आते हो और शाम के वक्त क्यों गायब हो जाते हो? तो फ़कीर ने जवाब दिया, लोग 12 बजे तक सखी होते हैं और इसके बाद कंजूस हो जाते हैं।